नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आपको एक ऐसे प्राणी के बारे में जानकारी देंगे जो कि काफी प्राचीन प्राणी है। डायनासोर जितना प्राचीन ये प्राणी है, और इसकी इसकी जो स्किन होती है, जो पीठ वाली स्किन जो होती है, ये इतनी सख्त होती है, इतनी मजबूत होती है कि एक बंदूक की गोली से भी दोस्तों इसको नहीं भेदा जा सकता है। आप कह सकते हो कि ये बुलेट प्रूफ जानवर है। दोस्तों बात करने वाले हैं मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ का नाम तो है, आपने सबने सुना ही होगा, लेकिन मगरमच्छ की कुछ खास बातें जो आप नहीं जानते होंगे, आज उन सब बातों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मगरमच्छ के बारे में सबसे पहला फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि जो मगरमच्छ है इसकी स्किन जो है इतनी सख्त होती है कि ये बंदूक की गोली से भी इसको नहीं भेदा जा सकता। वो ये मगरमच्छ होता है ये ठंडे खून वाला प्राणी है। इसका जो खून होता है, ब्लड होता है, कोल्ड ब्लडेड प्राणी है। दोस्तों मगरमच्छ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि मगरमच्छ की दुनिया के अंदर कम से कम 23 प्रजातियां पाई जाती हैं। कई प्रजातियां इसमें से विलुप्ति की कगार पर हैं। मगरमच्छ की खाल जो होती है काफी यूजफुल रहती है। फैशन इंडस्ट्रीज में काफी महत्व है इसका। इंटरनेशनल मार्केट में जो है इसकी खाल की काफी कीमत होती है, इसलिए जो है इसकी खाल के लिए इस मगरमच्छ का शिकार भी किया जाता है। काफी लोगों को जो है मगरमच्छ में और घड़ियाल में अंतर नहीं पता होगा। ये दोनों, जो घड़ियाल जो होता है और मगरमच्छ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। घड़ियाल यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एलिगेटर, और मगरमच्छ जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम दोस्तों क्रोकोडाइल। तो कुछ बेसिक अंतर जो है मगरमच्छ और घड़ियाल के बीच में, जिससे हम इनमें थोड़ा अंतर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ मुंह बंद करने के बाद में मगरमच्छ के दांत थोड़ा बाहर निकले रहते हैं, लेकिन घड़ियाल के केस में ऐसा नहीं होता है। और भी कई अंतर है मगरमच्छ और घड़ियाल के बीच में। तो मगरमच्छ जो होता है इसका जबड़ा काफी मजबूत होता है। इसमें जो मगरमच्छ के 24 दांत पाए जाते हैं, मगरमच्छ के 24 दांत होते हैं। लेकिन एक जो बात मगरमच्छ के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मगरमच्छ होता है ये कभी भी अपने शिकार को चबाता नहीं है। चबा सकता है ये, क्योंकि इसका जबड़ा काफी मजबूत होता है। ये शिकार को निगलना पसंद करता है। कई जो जानवर है, छोटे मोटे जानवर, इनको ये सीधा निगल जाता है। हालांकि इंसान को भी निगल जाता है, और जानवर को निगलने के बाद में, अपने शिकार को निगलने के बाद में दोस्तों ये जो मगरमच्छ होता है ये पत्थर भी खाता है। पत्थर खाने का एक थोड़ा साइंटिफिक रीजन बताना चाहूंगा मैं। पत्थर इसलिए खाता है क्योंकि पत्थर खाने से जो उसका शिकार होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और उसका जो डाइजेशन सिस्टम है, पूरी पाचन क्रिया अच्छे से उसकी हो जाती है। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप जो ये तालाब देख रहे हो पूरा, ये जो है शंख सागर लेक है। शिवपुरी के मानव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में ये स्थित है शंख सागर लेक। इस शंख सागर लेक में काफी मगरमच्छ है, हजारों की संख्या में मगरमच्छ इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा मगरमच्छ को बताने का प्रयास करते हैं। ज्यादा पास में तो इसके नहीं जाएंगे क्योंकि काफी रिस्की रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है पूरा शंख सागर लेक है, काफी संख्या में मगरमच्छ इसमें पाए जाते हैं। हालांकि अभी मौसम जो है काफी खराब है, बारिश की पूरी पूरी संभावना है। ये जो सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग है ये सेलिंग क्लब है। यहाँ से माधव नेशनल पार्क के लिए एंट्री होती है। अगर कोई माधव नेशनल पार्क में विजिट करना चाहता है तो उसको यहीं से जो है एंट्री दी जाती है। ये जो पूरा फॉरेस्ट कवर देख रहे हो आप इसके आसपास में दोस्तों, ये जो पूरा लेक है काफी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। और दोस्तों देखिए मैं आपको चारों तरफ का इसके व्यू बताता हूँ, कितना शानदार नजारा है अभी, क्योंकि बारिश हो चुकी है और ये पेड़ पौधे पूरा जंगल हरा भरा हो चुका है। देखिए दोस्तों कितना शानदार व्यू है। दोस्तों आप सामने ये बोटिंग देख रहे होगे, दोस्तों ये बोट है, कोई टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आए होंगे तो ये बोटिंग चल रही है उसमें। कितना घनघोर जंगल है सामने जो है, सेलिंग क्लब है ये बिल्डिंग जो देख रहे हो आप पीली। और ये कितना देखिए बारिश की पूरी पूरी संभावना, पानी आने वाला है। और हम अभी जो है जंगल के बीचों बीच में इस जगह पर मौजूद हैं।